नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राधा डांगी और आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, किडनी खराब होना, जिसे मेडिकल लैंग्वेज में किडनी का फेल होना भी कहते हैं, यानी कि किडनी फेलियर भी कहा जाता है। तो आखिर हमारी किडनी फेल क्यों हो जाती है, यानी कि हमारी किडनी खराब कब हो जाती है? तो हमारी किडनी, आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। तो जब हमारी किडनी ब्लड को सही से फिल्टर नहीं कर पाती है, तब हमारे शरीर में जो गंदे पदार्थ है वो हमारे शरीर के अंदर ही रह जाते हैं, यानी कि ब्लड के अंदर ही रह जाते हैं और हमें तरह तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तरह तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपको मैं एग्जाम्पल से बात करूं तो छलनी जो होती है, जैसे हम चाय छानते हैं, तो हम छानते वक्त क्या करते हैं, छलनी का काम क्या है, तो चाय पत्ती बाहर रख लेती है वो और हमें चाय देती है। तो उसी तरह से हमारी किडनी भी ऐसे ही फिल्टर का काम करती है जैसे छलनी करती है। छलनी में चाय पत्ती जो है वो पीने लायक नहीं है, इसलिए वो बाहर रह गई है। यानी कि हमारे जो किडनी है वो कई ऐसे पदार्थ है जो हमारे शरीर के काम के नहीं होते हैं, यानी कि हमारे शरीर की जो गंदगी है वो यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देती है और हमें अच्छा ब्लड फिल्टर करके देती है। तो आज हम पूरे वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं कि किडनी फेल क्यों हो जाती है, यानी कि हमारी किडनी ब्लड को सही से फिल्टर क्यों नहीं कर पाती है। खास करके हम एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में बात करने वाले हैं और हम बात करेंगे कि उसके कारण कौन कौन से हैं, यानी कि क्यों हमारी किडनी फेल हो जाती है। साथ में इसके लक्षणों के बारे में बात करेंगे और साथ में हम ये भी जानेंगे कि अगर आपको किडनी फेलियर हो गया है, एक्यूट किडनी फेलियर हो गया है, तो आपको डॉक्टर कौन से टेस्ट रिकमेंड करेंगे। तो अंत तक ज़रूर बने रहिएगा इस वीडियो के। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और पास वाला बेल बटन ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल सके। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारी किडनी फेल कब हो जाती है, यानी कि कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे हमारी किडनी फेल हो सकती है। तो दो तरह की किडनी फेलियर्स होते हैं, एक तो होता है एक्यूट किडनी फेलियर होता है और एक होता है क्रॉनिक किडनी फेलियर। तो एक्यूट किडनी फेलियर जो है वो एकदम से आ जाता है, यानी कि अचानक से उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं और एक ये इमरजेंसी केस की तरह हो जाता है। और दूसरा है क्रॉनिक किडनी फेलियर। क्रॉनिक किडनी फेलियर कब होता है, तो धीरे धीरे इसका विकास होता है और इसके अंत तक व्यक्ति को, मतलब कि व्यक्ति किडनी चेंज करनी पड़े, इस हद तक ये जो क्रॉनिक किडनी फेलियर है वो हो सकता है। तो आज हम सिर्फ एक्यूट किडनी फेलियर के बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अगर ब्लड की कमी है, हमारे शरीर में ब्लड ही नहीं है, तो किडनी तक अगर ब्लड ही नहीं पहुंच पा रहा है, तो किडनी तक ब्लड कब नहीं पहुंच पाता है, तो हमारे शरीर में ब्लड की कमी है, हमारा कोई एक्सीडेंट हो गया है, यानी कि ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हुआ है, तब आपकी किडनी में सही से फिल्टर करने के लिए ब्लड ही नहीं आ पा रहा है, तब आपकी किडनी में फेल हो सकती है। दूसरा देखें तो आपको कोई हार्ट डिजीज़ है, आपको हार्ट अटैक आया हुआ है, तब भी ऐसा हो सकता है। आप कोई ऐसी बीपी की दवाइयाँ ले रहे हैं, अगर आपका लीवर फेल हो गया है, तब भी ऐसा हो सकता है। साथ में आपको बहुत हाई लेवल का डिहाइड्रेशन हो गया है, तब भी आपको किडनी फेल हो सकती है। नेक्स्ट देखें तो अगर आपकी किडनी में ही कोई दिक्कत है, यानी कि आपकी किडनी सही से काम नहीं कर रही है, जैसे कि किडनी पे सूजन आ गई है या फिर किडनी के आसपास जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्लॉट्स जमा हो गए हैं, या फिर ब्लड वेसल्स में सूजन आ गई है, ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तब आपको ऐसा हो सकता है। दूसरा देखें तो अगर आपकी किडनी, आपने बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ली है, आपकी कीमोथेरेपी चल रही है, या फिर आपने कोई इमेजिंग टेस्ट करवाया है, तो इमेजिंग टेस्ट के दौरान क्या होता है कि आपके शरीर में से डाई डाली जाती है, तो वो आपकी किडनी को नुकसान करती है,
तब भी आपको ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट देखें तो आपकी किडनी जहाँ से यूरिन पास करती है, यानी कि हमारे शरीर में से गंदे पदार्थ को बाहर निकालती है यूरिन के द्वारा, तो जहाँ से यूरिन पास होता है जिसे यूरेटर कहा जाता है, अगर वो नली ही ब्लॉक हो जाए या फिर उसमें कोई दिक्कत हो जाए तब क्या होता है कि आपकी किडनी फेल हो सकती है। तो ऐसा कब हो सकता है, तो अगर आपके शरीर में पथरी है यानी कि किडनी में पथरी है, साथ में आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, आपको प्रोस्टेट का कैंसर है या फिर कोलोन का कैंसर है, तब आपको ये चीज हो सकती है। अब हम ये जान लेते हैं कि अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है तब आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। तो आपके शरीर में सबसे पहले बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, आपको सांस लेने में दिक्कत होगी यानी कि सांस फूल जाएगी, साथ में आपका वजन जो है पहले से कम होता जाएगा, साथ में आपके पूरे शरीर में सूजन आ जाएगी, और पूरे शरीर में सूजन की वजह से आपका वजन जो है वो बढ़ा हुआ हो ऐसा लगेगा, साथ में आप जब सोकर उठते हैं तब आपकी आंखों के आसपास सूजन आ जाती है, आंखें फूली हुई नजर आती है, आपको भूख सही से नहीं लगती है, कुछ भी खाते हैं तो नौशिया लगता है यानी कि उल्टी जैसा होता है आपको, साथ में आपको यूरिन में दिक्कत आ रही है, यूरिन में जलन हो रही है, पेशाब जो है आपको अटक अटक के आ रहा है, साथ में आपके शरीर में खून की कमी हो गई है, साथ में आपको पीठ के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है या फिर आपको बहुत ज़्यादा थकान लग रही है, और साथ में आप अगर आपके पीरियड्स में इरेगुलरिटी है तब आपको किडनी फेल हो सकती है ऐसा बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है, लैब टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आपको डॉक्टर कौन कौन से टेस्ट रिकमेंड करेंगे, तो सबसे पहले आपका यूरिन टेस्ट होता है, साथ में आपका ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट में आपका यूरिया और क्रिएटिनिन लेवल देखा जाता है, साथ में आपको कभी कभी डॉक्टर इमेजिंग स्टडी भी करवाने बोलते हैं, और साथ में आपका पूरे दिन का यानी कि 24 आवर्स का यूरिन जो है वो नापा जाता है, यानी कि आप पूरे दिन में कितना यूरिन पास कर रहे हैं, तो इस तरह से आपको लैब टेस्ट किए जाते हैं, और कभी कभार बायोप्सी भी की जाती है यानी कि किडनी में से थोड़ा सा टुकड़ा लेकर उसका टेस्ट किया जाता है। तो इस प्रकार आपको टेस्ट के द्वारा मालूम पड़ सकता है कि आपकी किडनी सही सलामत है या नहीं, और ख़ास करके अल्ट्रासाउंड में आपको काफ़ी अच्छी तरह पता चल सकता है कि आपकी किडनी में क्या क्या प्रॉब्लम है, और तो ये सारे टेस्ट हो सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगी होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।